कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष के कई विधायक बीजेपी को अंदर खाते समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के भी कई नेता चाहते हैं सैनी सरकार ना टूटे। और अब ये चैप्टर क्लोज होगा, सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है 6 महीने से पहले दोबारा फ्लोर टेस्ट संभव नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूर्व सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष के कई विधायक बीजेपी को अंदर खाते समर्थन कर रहे हैं, ये पूर्व सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के भी कई नेता चाहते हैं सैनी सरकार ना टूटे। जैसा कि पहले आपको बताया था कि पूर्व सीएम मनोहर लाल पहले भी कहते नजर आए थे कि उनके कई विधायकों से संपर्क हैं। अब उसी बात को अगर दोहराया जाए तो वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष के कई विधायक बीजेपी को अंदर खाते समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के भी कई नेता चाहते हैं सैनी सरकार ना टूटे। और अब ये चैप्टर क्लोज होगा, सरकार को कोई खतरा नहीं है। मित्रों, ये विषय बहुत पुराना हो गया और 2 दिन में बादल छट गए सारे, इसलिए उनके घर में खलबली मच गई है कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। पहली बात तो ये है, अपने स्टैंड से बिल्कुल विड्रा कर रहे हैं कि भी हम अब आगे प्रोटेस्ट की बात करें कि ना करें, क्योंकि कहीं भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात का क्लेम नहीं किया है। सिंपल है कि उनके ऑफिस के इंचार्ज ने एक पत्र लिखा जिसकी कोई वैल्यू राज्यपाल के सामने नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी मत अपना मत बनाया है कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। हम अपनी पार्टी के मतों से अलग मत रखते हैं, चाहे उसमें जेजेपी के लोग हैं, कुछ उसमें कांग्रेस के भी हैं। जेजेपी के लोगों ने तो खुल के कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस के भी बहुत लोग हैं अंदर खाते हुए कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का 4 महीने पहले किसी प्रकार का अदल करने का या दूसरी सरकार बनने का कोई मतलब नहीं है। निश्चित स्थान के ऊपर समय पर चुनाव होंगे और वैसे भी फ्लोर टेस्ट, क्योंकि 13 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट हुआ था जिसमें वर्तमान सरकार को नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उनको विश्वास मत मिला था, तो 6 महीने तो किसी प्रकार का कोई अर्थ बनता भी नहीं है। फिर भी इस बात पर गवर्नर और स्पीकर साहब ही निर्णय करेंगे, वो जो निर्णय करेंगे हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और हम किसी प्रकार का सरकार को कोई खतरा नहीं समझते। हर्षवर्धन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, पूर्व सीएम मनोहर लाल का यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया है, हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था कि उनके संपर्क में कई विधायक हैं, अब सीधे तौर पर फिर से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष के कई विधायक बीजेपी को अंदर खाते समर्थन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल चुमिष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है रोहतक में पहुंचे थे और मंगल कलम जो कमल कार्यालय है उसके अंदर जो है पूर्व जो मुख्यमंत्री है उनके ओएसपी अमरजीत को जो है उन्होंने पार्टी में शामिल कराया है। और वहीं दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि जेजेपी नेत्री जो सुनैना चौटाला उनके काफिले पर हमले की उन्होंने निंदा की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पर किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। हालांकि मार्च के अंदर जो है वो इसका अविश्वास प्रस्ताव पर लाया गया था, लेकिन उस दौरान जो है नायब सिंह सैनी की सरकार बन गई थी और उनको पूरा का पूरा समर्थन प्राप्त था, तो इससे ऐसे में सरकार को किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। इसके अलावा जो हरियाणा में राजनीतिक उठापटक चल रही है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने बोला कि अब ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाए और सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और जल्द ही जो है हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही जो है स्टार प्रचारक की तरह यहाँ प्रचार करने के लिए भी आएंगे। जी जी हर्षवर्धन, आप बने रहिए हमारे साथ और भी खबर से आपसे अपडेट लेते रहेंगे।